हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो आप सभी का स्वागत है 100 डेज चैलेंज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चंस अपलोडेड मिलते हैं हमारे ऐप के अंदर, IFS की वेबसाइट के अंदर, ऐप के अंदर, और जो आपको सॉल्व करने होते हैं जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट डे करते हैं डेली बेसिस पर। जैसे कि तो कल प्रीवियस ईयर, ठीक है, 5 क्वेश्चन जो अपलोड किए गए थे उनका डिस्कशन मैं आज कर रहा हूँ। और जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो खत्म होने से ही आप तुरंत वापस हमारी वेबसाइट पर जाइए, 5 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे, जिनका डिस्कशन मैं खुद कल मॉर्निंग में 8:30 AM पर आकर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। उसके पहले मैं बता दूँ, यदि आप स्वेट पीजी को भी टारगेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्वेट पीजी को भी टारगेट कीजिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल MSc एंट्रेंस एग्जाम है और आप DU, BHU, JNU जैसे इंस्टीट्यूट छोड़ना तो नहीं चाहेंगे। तो डेफिनेटली आप इस स्वेट पीजी के एग्जाम को टारगेट कीजिए। और इसीलिए IFS ने स्वेट पीजी लाइफ साइंस वालों के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है प्रॉपर। इसमें हमने आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सारे फीचर्स और ये सब कुछ दिए। आप देखते रहना, पढ़ते रहिएगा, और मैं कहता हूँ इससे बेस्ट गारंटेड कोर्स आपको पूरे इंडिया के अंदर नहीं मिलेगा स्वेट पीजी लाइफ साइंस का, ठीक है, आई विल गारंटी यू दैट। और ये सिर्फ आपको मिलता है 2499 ओनली में, इतने कम प्राइस में, इसलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे वो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, कोई IIT जैम को कर रहा है तो कोई गैट भी को कर रहा है, पर हम चाहते हैं कि वो सारे बच्चे स्वेट पीजी को भी टारगेट करें, ठीक है। कुछ बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ स्वेट पीजी को टारगेट करते हैं, पर हम चाहते हैं कि सारे बच्चे स्वेट पीजी को टारगेट करें, क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सीट्स बहुत ज़्यादा है, 197+ यूनिवर्सिटीज़ है, इसीलिए ताकि आपके पास एज एन बैकअप हो और इससे टॉप इंस्टीट्यूट तो मिल ही रहे हैं। तो यूज दी कूपन कोड MPSIR70। देखो 2499 बहुत एक नॉमिनल कॉस्ट है, बहुत कम एक नॉमिनल फी है, आप इसको ले सकते हो लाइफ साइंस के कोर्स को, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमल। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मेमल की? तो मेमल, हम पता है हम क्या, ह्यूमन मेमल है, राइट, वी आर वार्म ब्लडेड, राइट। तो वी आर वार्म ब्लडेड बिल्कुल करेक्ट है, आपसे नॉट पूछा गया है बट ध्यान रखिएगा, तो ये तो करेक्ट है। क्या मेमल्स एक को ले करते हैं? जी ना, बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा आंसर होगा, वो क्या होते हैं, वो किसको ले करते हैं? ले, एक को ले नहीं करते, ठीक है, बेबी को, राइट। हैविंग फर और हेयर, हाँ होते हैं ना, हेयर हमारे हाथों पर, चेस्ट पर हेयर होते हैं, बिल्कुल, हैव फर और हेयर। प्रोड्यूस मिल्क, जी हाँ, मैमल्स, ठीक है, मैमरी ग्लैंड के थ्रू मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ले इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ये यही आपसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही हमारा ऑप्शन होता है। विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट ब्रेन रिलेटिव टू इट्स बॉडी साइज? विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट ब्रेन रिलेटिव टू इट्स बॉडी साइज? इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका लार्जेस्ट ब्रेन है? ध्यान रखना, लार्जेस्ट ब्रेन बोला है। आप बोलोगे कि सर एलिफेंट का साइज तो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, या फिर व्हेल का साइज भी काफी बड़ा होता है, ठीक है, तो यहां पर आपको इसलिए लिख के दिया, रिलेटिव टू इट्स बॉडी साइज के कंपैरिजन में उनका ब्रेन साइज कितना बड़ा है, ठीक है। नो डाउट ह्यूमन से बड़ा ब्रेन साइज मिल सकता है, पर बॉडी के साइज के कंपैरिजन, तो हमारी बॉडी के साइज में हमारा ब्रेन का साइज तो बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू द व्हेल, एलिफेंट और डॉल्फिन, तो ह्यूमन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका बॉडी साइज बहुत बड़ा है, ब्रेन का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा, पर बॉडी साइज के कंपैरिजन में ब्रेन का साइज बहुत छोटा है, और हमारी बॉडी साइज में ब्रेन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, रिलेटिव टू इट्स बॉडी साइज, और इन सब में की कंपैरिजन करें तो, ठीक है, तो ह्यूमन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्सुपियल? इनमें से कौन सा मार्सुपियल का एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल? क्या एलिफेंट है, कंगारू है, वेल है, टाइगर है, क्या है? तो चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल? मार्सुपियल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बर्थ करते हैं एक अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को, फिर अपने अंदर एक पाउच के अंदर उसको डेवलप होने के लिए रहने देते हैं, ताकि वो कंप्लीट डेवलप होता है, ठीक है। तो पाउच लाइक, जैसे कि कंगारू, कंगारू की बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उनका बेबी रहता है, ठीक है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, तो कंगारू इज द करेक्ट आंसर। एलिफेंट भी नहीं है ये तो डायरेक्ट बेबी को, वेल भी नहीं और टाइगर भी नहीं, ये तो आपको पता है, बट मार्सुपियल कौन होते हैं? जिनके पाउच होता है अंड, ठीक है, अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, उसके बाद उस पाउच में रखते हैं ताकि वो कंप्लीटली डेवलप हो सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, इसलिए मार्सुपियल, ठीक है, तो कंगारू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव मेमोरी एंड एबिलिटी टू रिमेंबर द फेसेस ऑफ ह्यूमंस?
विच बर्ड इज नॉन फॉर इट्स इम्प्रेसिव मेमोरी, इनमें से कौन सी बर्ड है जो उसकी इम्प्रेसिव मेमोरी के नाम ठीक है जानी जाती है, एंड एबिलिटी टू रिमेम्बर द फेसेस ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो क्या वो पिजन है, क्या वो क्रो है, क्या वो पैरोट है, क्या वो स्पेरो है? तो देखो इम्प्रेसिव मेमोरी के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, वो है क्रो। ठीक है, याद रखना क्रो आपके फेसेस को भी याद रखता है, उसकी बहुत इम्प्रेसिव मेमोरी होती है, बहुत ही शानदार मेमोरी होती है, आपके फेसेस तक को भी याद रख लेता है, तो ध्यान रखिएगा। तो विच बर्ड इज नॉन फॉर इट्स इम्प्रेसिव मेमोरी, दैट इज क्रो, नॉट द पिजन, नॉट द पैरट, नॉट द स्पेरो। तो वो आपके फेसेस तक को भी याद है, बहुत चालाक बोलते हो ना आप, उसको फेसेस भी याद रखता है। ठीक है, चले, वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश, गिल्स का फंक्शन क्या है फिश के अंदर? तो वो है ब्रीदिंग का। ठीक है, ब्रीदिंग का, तो ब्रीदिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक्वेटिक है फिश, इस वजह से ब्रीदिंग किसके थ्रू होता है, वहां पर लंग्स नहीं मिलते, वहां पर गिल्स मिलते हैं। ठीक है, लोकोमोशन भी नहीं, वो तो फिन्स के थ्रू होता था। ठीक है, डाइजेशन, डाइजेस्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन भी अलग होता है, तो ये भी नहीं, ब्रीथिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, चलिए बाकी सारी चीजों के लिए आप यदि किसी भी एग्जाम को, या आप स्वेट पीजी, आईआईटी जेम या गेट भी, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आईएफएस के ऐप और आईएफएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्लीज जाइए एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखी है, सिर्फ आपको इसका फायदा उठाना है, वेबसाइट पर डली हुई है, आप जाओ चेकआउट करो ये सारी चीजें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर वहीं जाकर आप पेपर एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को कम टाइम देना है, एग्जामिनर किसको ज्यादातर पूछ रहा है, और हर साल वो टॉपिक आ रहा है जो आप पूछते हो ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, वो आते कहाँ से, पेपर एनालिसिस के बेसिस पर, के पिछले कई सालों में बार बार टॉपिक जो पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो पेपर एनालिसिस में पता चलता है। ठीक है, फिर आप एग्जाम सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, कट ऑफ क्या है, और ऐसी कई सारी अनेकों चीजों के बारे में जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आईएफएस की वेबसाइट ifsonline.com या फिर आईएफएस के ऐप पर जाकर। ठीक है एवरीवन, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यदि आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।